वेलकम बैक स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हेयर टू डू वर्कशीट नंबर 13 ऑफ क्लास 9th. सो एंड टुडेज टॉपिक इज एडजेक्टिव्स. लेट्स सी व्हाट इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट टेल समथिंग अबाउट अ नाउन. ओके, एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के बारे में हमें बताते हैं. लाइक अगर हम यहाँ देखें, यहाँ हम लिखें अ बॉल. अब एक बॉल जो है एक नाउन है. अब बॉल कैसी है उसके लिए अगर हम देखें बिग बॉल, या फिर हम उसे करें रबर बॉल, तो ये बता रहे हैं कि बॉल किस तरह की है. सो द वर्ड बिग एंड रबर, दीज आर द एडजेक्टिव्स डेट आर टेलिंग अबाउट द बॉल. वो बॉल के बारे में बता रहे हैं. और अगर हम और एग्जांपल्स लें, लाइक अ गर्ल. गर्ल कैसी है, लॉन्ग टॉल है, थिन है, ब्यूटीफुल. दीज वर्ड्स आर टेलिंग अबाउट द ब्यूटी फिजिकल अपीरियंस ऑफ द गर्ल. सो द वर्ड्स डेट टेल अबाउट द फिजिकल अपीरियंस, पर्सनैलिटी, फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ अ नाउन आर नोन एज एडजेक्टिव्स. ठीक है, टू मेक दिस क्लियर लेट्स रीड द पैसेज गिवन बिलो. As you can see, there is a picture. एक picture दे रखी है जिसमें एक girl है, greenery है. See what is written. The girl in the picture is my elder sister Supriya. कह रहे हैं ये जो girl है वो मेरी elder sister Supriya है. She is wearing a white kurta. उसने एक कुर्ता पहना हुआ है जो कि white color का है. यहाँ कुर्ता एक noun है और जो white है वो बता रहा है कि कुर्ता कैसा है. So white is adjective. And a colorful dupatta. दुपट्टा यहाँ पे एक चीज़ का नाम है एंड कलरफुल बता रहा है कि वो कैसा है. सो कलरफुल इज एडजेक्टिव फॉर दुपट्टा. शी इज़ वियरिंग ब्लू कलर्ड गॉगल्स. और यहाँ गॉगल्स जो है एक थिंग है, एक चीज़ है जो कि एक नाउन है, और ब्लू कलर जो है वो इसके लिए एडजेक्टिव हो गया. शी हैज़ अ स्माइल ऑन हर फेस. शी एंड सीम्स टू बी एन्जॉइंग हर सेल्फ. शी ऑल्सो हैज़ सम कलर स्मीयर्ड ऑन हर फेस. उसके फेस पे कलर भी लगा हुआ है. ठीक है, सम कलर, यहाँ पे सम भी एडजेक्टिव है. ऑन हर फेस एंड लुक्स लाइक शी हैज़ प्लेड होली. और ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने होली खेली है. शी इज़ मीडियम इन बिल्ट एंड हाइट. उसकी जो बिल्ट मतलब फिजिक है वो मीडियम है, हाइट भी मीडियम है, ना तो ज़्यादा टॉल ना शॉर्ट. She has a very good nature. यहाँ good भी आ गया जो nature के बारे में बता रहा है, that is an adjective. And is friendly with people. Friendly है तो ये भी adjective है. She is an independent girl. Girl यहाँ noun है और यहाँ independent जो word है वो उसके बारे में बता रहा है. So this is an adjective here. And works part time along with going to school. She is respectful towards elders and loving towards young people. ठीक है, तो ये सारे हमने एडजेक्टिव्स के बारे में रीड आउट किया. लेट सी व्हाट इज़ गिवन बिलो. इन द बॉक्स गिवन बिलो पेस्ट अ पिक्चर ऑफ अ फैमिली मेम्बर. यहाँ जो आपको दे रखा है ये स्पेस, यहाँ आपने एक तरफ अपने फैमिली मेम्बर की या फ्रेंड की एक पिक्चर पेस्ट करनी है. होम यू वुड लाइक टू डिस्क्राइब फॉर यू अस, जिसके बारे में आप यहाँ लिखना चाहते हैं. डिसाइड विच ट्रेट्स यू वुड लाइक टू हाईलाइट. तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि उनके बारे में आप क्या लिखेंगे. लाइक अगर आपने यहाँ किसी फ्रेंड का लिखा है तो यहाँ लिखेंगे, पिक्चर पेस्ट की है तो दिस पिक्चर बिलोंग्स टू माई फ्रेंड, यहाँ नेम लिखेंगे उसका. इफ़ द फ्रेंड इज़ अ बॉय तो आप यहाँ ही यूज़ करेंगे. अदरवाइज अगर गर्ल है तो यहाँ शी लगाएंगे. शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. उसकी फिजिकल अपीरियंस से करेंगे, एज से करेंगे, कैसी है, टॉल है, ब्यूटीफुल है, शी इज़ ब्यूटीफुल. फिर उसकी लाइक्स डिसलाइक्स भी कर सकते हैं. शी लाइक्स टू ड्रॉ या शी लाइक्स टू सिंग. ठीक है, और उसके बारे में बता सकते हैं कि वो क्या कर रही है. उसकी हेल्थ, यहाँ देखो सारी चीज़ दे रखी है. हाइट, शी इज़, उसकी हाइट के बारे में बताएंगे, टॉल और शॉर्ट. हेल्थ कैसी है, उसकी फैट है, थिन है, या फिर अच्छी हेल्थ है, उसकी गुड हेल्थ है. कॉम्प्लेक्शन कैसा है, उसका कलर कैसा है. शी इज़ किस तरह के कॉम्प्लेक्शन की है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है या फिर लाइट कॉम्प्लेक्शन है. हर नेचर कैसी है, काइंड है, ऑनेस्ट है, या फिर कुछ और क्वालिटीज़, फ्रेंडली. तो आप इस तरह की क्वालिटीज़ मेंशन कर सकते हैं. और इस तरह से आपने अपने फ्रेंड या अपनी जो भी आप यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं पिक्चर,
उनके बारे में यहाँ आपने राइट डाउन करना है यूजिंग द एडजेक्टिव्स. दीज आर सम ऑफ द एडजेक्टिव्स आई हैव रिटन ओवर हियर. आप इसके अलावा और भी एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं. ओके, आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई. इसे कंप्लीट कीजिए एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वर्कशीट ऑल्सो.